कभी थी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, सेट पर हुआ प्यार, शादी के लिए अपना लिया इस्लाम, फिर इस वजह से पर्दे से गायब हुई यह हसीना। दोस्तों टीवी से लेकर बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अच्छा खासा फेम पाने के बावजूद अपने परिवार या शादी के बाद अपने सफल करियर को छोड़ दिया। 3 साल तक एयर होस्टेस के रूप में काम करने के बाद दीपिका कक्कड़ को 24 साल की उम्र में शो वीर भरे तेरे नाना देवी से टीवी में ब्रेक मिला, लेकिन एक्ट्रेस को पॉपुलर शो ससुराल सिमर का से रातों रात फेम मिला। टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में दीपिका कक्कड़ ने लगभग 6 साल तक काम किया। इसके बाद एक्ट्रेस सबसे ज्यादा फीस लेने वाली टीवी एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका अपने टाइम के दौरान प्रति एपिसोड के 70,000 रुपए तक चार्ज करती थी। दीपिका की शादी साल 2011 में रौनक सैमसन से हुई थी, लेकिन 4 साल बाद ये शादी तलाक के साथ खत्म हो गई। तलाक के बाद दीपिका शोहेब के काफी करीब आ गई और दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। शोहेब के शो छोड़ने के बाद दीपिका को अपने प्यार का एहसास हुआ, फिर एक दिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली थी। शोहेब की शादी के बाद दीपिका ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से एक्ट्रेस खूब ट्रोल भी हुई थी। दीपिका से फैजा बनने पर सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को ट्रोल किया गया था। दीपिका रियलिटी शो बिग बॉस 12 की विनर भी रह चुकी हैं। दीपिका काफी टाइम स्क्रीन से गायब हैं। दीपिका कक्कड़ भले ही एक्टिंग से दूर हो, लेकिन वो अपने ब्लॉग के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। साल 2023 में दीपिका और शोहेब ने अपने पहले बेबी का वेलकम किया था। दीपिका और शोहेब ब्लॉगिंग के जरिए फैंस को लाइफ से जुड़ी हर एक अपडेट शेयर करते रहते हैं। फैंस भी कपल पर खूब प्यार उठाते हैं। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।